दिशा निर्देश डायरेक्शन सेंस किस किस टाइप के सवाल आए हैं वो हम समझते हैं क्या क्या टाइप्स बनती हैं वो हम समझते हैं देखो ये वो सवाल है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं और उनकी डायरेक्शन और डिस्टेंस दिया होता है उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इंडिकेट करना होता है हर टाइप कवर करूंगा मैं ठीक है जिससे कि पूरा डायरेक्शन रिवाइज और पूरा डायरेक्शन क्लियर हो जाए देखो अब देखो इस टाइप में पॉइंट्स के अनुसार ये आपको बेसिक आपको पता ही है मालूम होना चाहिए कि ये आपका नॉर्थ होता है उत्तर दिशा ये आपका साउथ होता है दक्षिण दिशा आपके राइट हैंड साइड ईस्ट होता है पूर्व दिशा आपके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है पश्चिम दिशा ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती ये कंप्लीट एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट होता है उत्तर पूर्व साउथ ईस्ट होता है दक्षिण पूर्व ये साउथ वेस्ट होता है दक्षिण पश्चिम यह नॉर्थ वेस्ट होता है उत्तर पश्चिम ठीक है चलो तो ये सवाल था इसको सोल्व करते हैं आज हम ये डायरेक्शन इस पर अप्लाई करते हैं एज 18 मीटर ईस्ट ऑफ बी ए 18 मीटर बी की तरफ है पूर्व की तरफ। अब ध्यान दो ए 18 मीटर पूर्व की तरफ है बी की तरफ ठीक है ध्यान दो ए 18 मीटर बनेगा बी की तरफ पूर्व में पूर्व में बोला ईस्ट में बोला तो ईस्ट में रखेंगे ठीक है हुँ? तो जगह खाली नहीं बचेगी चलो यहीं बना देता हूं। नीचे तो फिर जगह नहीं बचेगी ठीक है ए बी पूर्व में अठारह मीटर ले लेते मेरे को पता नहीं है कि ए बी इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा नीचे आएगा नीचे जगह खाली नहीं थी ऊपर तो खैर इसका भी यूज कर लेंगे हम तो इसलिए बीच में बना दिया बट पूर्व में दिया है तो पूर्व को पश्चिम मत बना देना कि जगह खाली नहीं थी हैं, कई बच्चे यहां भी लिख दें तो ए पोर में है तो जगह खाली नहीं है तो इस तरफ रख दो नेक्स्ट ठीक तो, चलो यहां देखो ए बी के पोर में है उसके बाद पॉइंट बी ट्वेंटी टू मीटर नॉर्थ ऑफ सी बी सी के बाईस मीटर नॉर्थ में है सी के बाईस मीटर नॉर्थ में ठीक है।, है ये सी के बाईस मीटर नॉर्थ में ले लिया उसके बाद पॉइंट डी इज इलेवन मीटर वेस्ट ऑफ सी पॉइंट डी सी के वेस्ट में है पॉइंट डी सी के पश्चिम में सी का वेस्ट ये होगा भाई पॉइंट डी पश्चिम में है कितना ग्यारह ये ग्यारह ले लिया भाई पॉइंट ई इलेवन मीटर साउथ में है डी के ई e, डी के साउथ में भाई ई e यहां ले लिया 11 मीटर ई यहां ले लिया 11 मीटर अब नेक्स्ट ध्यान दो साउथ में पॉइंट एक्स 29 मीटर ईस्ट में है ई ई के के ईस्ट में है भाई 29 मीटर ठीक है 18 ही था ये अब ध्यान दो 29 मीटर बोल रखा है अब इंपॉर्टेंट है ई के पूर्व में तो इस तरफ चल देंगे कितना चले ये इंपॉर्टेंट है देखो ग्यारह ये राहतीस रा, बनता है और उन्तीस ही बोला है इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट लेंगे। पॉइंट एक भी बोल देता ना तो मैं आगे चला जाता वो आगे कितना ही जाता पर पर आगे जाता उन्तीस से पॉइंट एक भी कम कर देता ना पीछे रह जाता पर कितना ही रहता पीछे ग्यारह और ये 18 मेरे माइंड में 29 चल रहा था कि 29 बराबर छोटी स्ट्रेट लाइन में आने के ये है तो यह भी है और अठारह ग्यारह का टोटल उनतीस के बराबर बन रहा है इसलिए ये कारण है बराबर आने का तो ये ग्यारह है तो ये भी ग्यारह है ये ग्यारह है तो ये भी ग्यारह है और ये बाइस है तो ये भी बाईस है है ना इसलिए डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में भाई ये ग्यारह है तो ये भी ग्यारह है ये बाईस है तो ये भी बाईस है तो बाईस और ग्यारह कितना बन गया तैतीस थर्टी थ्री तैतीस थर्टी थ्री इज द राइट आंसर तैतीस सही जवाब है ये तो वो सवाल हो गए जिनमें दो तीन चार पांच बंदों का डायरेक्शन इंडिकेट है है ना कुछ सवाल चलने वाले होंगे कुछ सवाल डिग्री वाले होंगे वो सब हम करेंगे कराएंगे इसमें देखो भाई जल्दी से करो देखो फाइव मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एफ एफ का दक्षिण पश्चिम है एफ का दक्षिण पश्चिम ये एफ है तो दक्षिण पश्चिम ये होगा ये साउथ है ये वेस्ट है तो साउथ वेस्ट बोला है बच्चे दक्षिण पश्चिम बोला है तो F के साउथ वेस्ट में है एम एफ के एम एफ के तो M नीचे होगा एक उल्टा भी गलती कर देते हैं M लेंगे, लेंगे। F लेंगे। F के पिचासी मीटर है भाई F के पिचासी मीटर इफ C इज एटी फाइव मीटर साउथ ईस्ट ऑफ F, E का पिचासी मीटर साउथ ईस्ट E जो है साउथ ईस्ट है पिचासी मीटर ये पिचासी ये पिचासी बराबर है तो देन सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम ये ई नहीं था सी था सी एम से किस दिशा में है सी एम से किस दिशा में है भाई सी एम से पूर्व दिशा में है एम का पूर्व है सी बी इज द राइट आंसर ईस्ट में है भाई ईस्ट में है पूर्व में है आ जाओ सबसे पहले मार्टिन स्टार्ट वॉकिंग हिज हाउस इन ईस्ट डायरेक्शन पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है टेन मीटर चलता है और लेफ्ट टर्न लेता पहले पूर्व की दिशा में चलना शुरू कर देता है दस मीटर यहां से चलना शुरू किया पूर्व की ओर दस मीटर यहां से चला पूर्व की ओर दस मीटर ठीक है उसके बाद टेन मीटर टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वोक ट्वेल्व मीटर फिर बाएं ओर मुड़ता है ठीक है भाई यहां से वो क्या हो रहा बाएं और मुड़ता और बारह मीटर चलता है यहां से लेफ्ट बाएं और चलने वाले क्वेश्चन है बाएं और लेफ्ट ऊपर की तरफ बारह चलता है ठीक है फिर राइट टर्न लेता और तीन मीटर चलता है राइट टर्न लेता है और तीन मीटर चलता है यहां से राइट टर्न लेगा ठीक है राइट टर्न लेगा और तीन मीटर चलेगा तीन मीटर चलता है राइट टर्न लेता दाएं और मुड़ता है तीन मीटर चलता है फिर लेफ्ट टर्न लेगा और एक मीटर चलेगा यहां से लेफ्ट टर्न लेगा ऊपर की तरफ और एक मीटर चलेगा एक मीटर चलेगा ठीक है दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता और पांच मीटर चलता है ध्यान दो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेगा और पांच चलेगा देखो दस ये तीन ये तेरह पांच चलेगा मतलब तीन से ज्यादा रहेगा दस से कम रहेगा पांच चलेगा मतलब लगभग क्योंकि यहां से लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है? पांच चलता है।, ठीक है? अब इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ अब वह किस दिशा में चल रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ किस दिशा में चल रहा वेस्ट दिशा में किस दिशा में चल रहा वेस्ट दिशा में पश्चिम दिशा में चल रहा है किस दिशा में चल रहा है भाई वो पश्चिम दिशा में चल रहा है पश्चिम दिशा में चल रहा है ये तो हो गया बुक का मेथड अब सुनो एग्जाम में सबसे पहले आप ये पढ़ोगे पूछा क्या है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ अब वह किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में उसका फेस है याद रखना बच्चे याद रखना अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे चाहे डिस्टेंस चाहे डायरेक्शन चाहे डिस्टेंस चाहे डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो डायग्राम बनाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो पूछा नहीं तो डायग्राम नहीं बनाना है डायग्राम सही है बट बनाना नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है चार क्वेश्चन बनते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है डायग्राम बनाना है एक स्टार्टिंग दिशा, दिशा में जा रहा है डायग्राम नहीं बनाना है डायग्राम नहीं बनाना है एक टोटल कितनी दूरी तय की उसमें भी डायग्राम नहीं बनाना ट्रिक से करेंगे ये तो बुक का मेथड हो गया ट्रिक से करना फाइनली पहले ये पढ़ लेना इन विच डायरेक्शन नाउ जब भी शुरुआती डायरेक्शन से ना पूछे तो डायग्राम नहीं बनाना है तो कैसे चलना है भाई कैसे चलना है जितने भी लेफ्ट हैं जितने भी राइट हैं वो ले लो एक लेफ्ट बोला एक राइट बोला फिर एक लेफ्ट बोला फिर एक लेफ्ट बोला इन मीडियम बाएं बोला डिस्टेंस कितना यो कितना यो दाएं बोला फिर से बाएं बोला और फिर से बाएं बोला तो लेफ्ट बोला फिर राइट बोला।, बोला फिर लेफ्ट बोला फिर लेफ्ट बोला ठीक है लेफ्ट राइट से कैंसल लेफ्ट राइट से कैंसल दो लेफ्ट बच जाएं या दो राइट बच जाएं दो लेफ्ट बच जाएं या दो राइट बच जाएं अपोजिट होता है एक लेफ्ट बच जाए तो टर्न करना है एक राइट बच जाए तो टर्न करना है दो लेफ्ट बच जाए या दो राइट बच जाए अपोजिट तीन लेफ्ट का मतलब है एक राइट right और तीन राइट right का मतलब है एक लेफ्ट टर्न करना है, चार लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन चार राइट right का मतलब सेम डायरेक्शन तो शुरुआती डायरेक्शन क्या थी ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन थी तो ईस्ट का दो लेफ्ट अपोजिट क्या होगा ईस्ट का अपोजिट क्या होगा वेस्ट आपका आंसर होगा अब ये तो मुझे सिखाना पड़ रहा है इसलिए सब किया आप तो माइंड में ही एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे करोगे लेफ्ट देखा राइट देखा कैंसल दो लेफ्ट देखे टर्न लिया अपोजिट ईस्ट का अपोजिट वेस्ट डायरेक्ट आंसर ठीक है डायरेक्ट आंसर वेस्ट ये डायग्राम नहीं बनाना है ध्यान रखना इस तरीके से चलना है याद रखना क्लियर है करो भाई हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही शुरुआती बिंदु से पूछा है भाई तो डायग्राम बनाना है ध्यान रखना शुरुआती बिंदु से पूछा है तो डायग्राम बनाना है चलो यहां देखो गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ नॉर्थ फेसिंग हाउस बैक साइड से निकल रहा है भाई ठीक है फ्रंट से नहीं निकल रहा गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है जो है ना घर का वो उत्तर दिशा में वो निकल रहा है ठीक है तो बैक साइड से निकल रहा है मतलब साउथ दिशा में वो निकल रहा है ठीक है साउथ दिशा में निकल रहा है ठीक और 25 मीटर चलता है ये 25 चल गया भाई ठीक है देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न बाएं मुड़ता है और छत्तीस चलता है लेफ्ट टर्न लिया और छत्तीस चला यहां से बाएं मुड़ा इस तरफ छत्तीस चला ठीक है तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा छत्तीस फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया और सैतालीस चला फिर से लेफ्ट सैतालीस फिर से लेफ्ट छत्तीस फिर से बाएं मुड़ा ऊपर की तरफ लेफ्ट टर्न बाएं मुड़ा ऊपर की तरफ सैतालीस और यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ा छत्तीस फिर से लेफ्ट मुड़ा छत्तीस अब यहां देखो यहां से यहां का डिस्टेंस बताना है भाई तो ये पच्चीस तो इतना पच्चीस ये सैतालीस तो ये भी सैतालीस फोर्टी सेवन तो ये भी फोर्टी सेवन तो ये बच कितना गया फोर्टी सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव बाईस और बाईस मीटर ध्यान रखना अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है ये घर था उसका घर से बाईस मीटर है उत्तर की दिशा में घर से बाईस मीटर उत्तर की दिशा में सी इज द राइट आंसर डन है चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई डिग्री वाले सवाल मैंने आपको कहा था सारे टाइप मैं आपको कराऊंगा डिग्री भी डिस्टेंस भी नाम के साथ भी सारे डिग्री वाले सवाल हमेशा क्या करने हैं ऐसे सवालों के लिए तो सबसे आसान है कि सब कुछ लिख लो सबसे पहले 135 क्लॉकवाइज 135 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को मैं सी लिख रहा हूं नब्बे एंटी क्लॉकवाइज वाइज नब्बे वामावृत एंटी क्लॉकवाइज को ए सी लिख रहा हूँ फिर पैंतालीस क्लॉकवाइज, पैंतालीस दक्षिणावृत्थ क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ एक सौ पैंतीस एंटी क्लॉकवाइज वाइज एक सौ पैंतीस वामावृत एक सौ पैंतीस एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ अब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसल लेफ्ट से राइट कैंसल क्लॉकवाइज 135 से एंटी क्लॉकवाइज 135 कैंसल डिफरेंट जो है माइनस हो जाएगा सेम जो है जुड़ जाएगा इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा बड़े की वैल्यू रहेगी बड़ा नब्बे क्लॉकवाइज है तो पैंतालीस क्लॉकवाइज बच गया अब एंटी क्लॉकवाइज किस पर शुरुआत की डायरेक्शन पर किस पर शुरुआत की डायरेक्शन पर साउथ ईस्ट पर दक्षिण पूर्व पर दक्षिण पूर्व पर ठीक है साउथ ईस्ट पर एंटी क्लोकवाइज यहां देखो ये है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। इस पर एंटी क्लोकवाइज लगाना है पैंतालीस बचा हुआ है ये लगाना है साउथ ईस्ट का एंटी क्लोकवाइज मतलब ऊपर की तरफ पैंतालीस मतलब इतना इसका पैंतालीस मतलब इतना साउथ ईस्ट का पैंतालीस डिग्री एंटी क्लोकवाइज ईस्ट होगा ईस्ट होगा पूरो इज द राइट आंसर ए सही जवाब है पूरो सही जवाब है ए सही जवाब है।, है क्लियर है भाई डन चलो आगे चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल देखो भाई 6 आओ है डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई डी दक्षिण में है ई के डी साउथ में है ई के कितना 60 एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी अब देखो डी ई अलग है एफ बी अलग है तो एफ बी को अलग से बना लो यहां पर एफ बी जो है 40 मीटर है एफ साउथ में है, f is 40 meter south of b fb के दक्षिण में है fb के दक्षिण में है ठीक है a is 30 meter north of e a e के उत्तर में है. तो a e के उत्तर में बना दिया 30 देखो तो जो कनेक्ट हो सकता है उसको कनेक्ट करो e b का था a e का था b और f अलग थे वो अलग पड़े हैं ठीक है बाद में कनेक्ट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आगे उसने बोला f is फिफ्टी मीटर ईस्ट ऑफ ए एफ ए के पचास मीटर पूर्व में एफ ए के पचास मीटर पूर्व में एफ में ईस्ट में तो एफ यहां आ जाएगा कितना फोर्टी बी इससे ऊपर था पहले बी पहले थाई चालीस बी पहले थाई चालीस ठीक है एफ बी कनेक्ट हो गए सी वेस्ट ऑफ बी सी बी के पश्चिम में है पचास C, B, के पश्चिम पचास तो चालीस से ज्यादा होगा सी एफ के बीच में चालीस नहीं था क्या पचास सॉरी okay. ये चालीस नहीं था भाई ये ही 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 था तो तो बोला बोला और C, B, के पश्चिम में तो इसका मतलब क्लियर यहां देखो ज्यादा था ये चालीस मैंने मान के चल रहा था तो सी मैं यहां लेके जा रहा था क्योंकि ज्यादा था पचास लेकिन पचास बाद में देखा ये डाटा कि पचास पचास सेम ही दे रखा था यहां एफ ए का भी पचास ही दे रखा था है ना? मैंने चालीस गलत पढ़ लिया था उसके बाद सी बी के पश्चिम है पचास लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए रेफरेंस में बताना है डी फालतू में टाइम वेस्ट करवा रहा था ए के रेफरेंस में चालीस मीटर आएगा और ए के रेफरेंस में नॉर्थ आएगा ए के अनुसार नॉर्थ है और चालीस मीटर है इज द राइट आंसर सही जवाब है चलो आ जाओ श्रीनिजा वॉक्ड नाइन किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हर होम अपने घर से नौ किलोमीटर पश्चिम में चली चलो नौ किलोमीटर पश्चिम में चली भाई यहां से नौ किलोमीटर पश्चिम में चलेगी ठीक है फिर साउथ में मुड़ी ग्यारह साउथ में ग्यारह मुड़ गई फिर उसके बाद पूर्व में ईस्ट में चली तेरह अब तेरह इस तरफ चली नौ से ज्यादा होगा फिर वापिस आ गई चार किलोमीटर पश्चिम में चार किलोमीटर पश्चिम में वापिस आ गई यहां तो चार वापिस आई यहां से यहां देखो तो चार वापिस आई वापिस इसी पॉइंट पर आ गई क्योंकि नौ ये थे क्योंकि नौ ये थे नौ और चार तेरह ही होते हैं। तो चार वापिस आ गई तो नो ही बचे और ये नौ थे यानी कि ये एक्यूरेट पॉइंट आ गया ये 9 तो ये 9, ये ग्यारह तो ये ग्यारह तो कितने किलोमीटर है ग्यारह किलोमीटर तो डायरेक्शन में बस यही टाइप रहती है इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो सब्सक्राइब करो थैंक यू